हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इस बाथरूम का अंदर नीचे फ्लोरिंग में कैसे वाटर प्रूफ करना है। वाटर प्रूफ होने के बाद पाइपलाइन फिटिंग आएगा पीवीसी लाइन की। ऑलरेडी ये बाथरूम का वायरिंग हो चुका है और वायरिंग होने के बाद प्रेशर टेस्ट हुआ है। प्रेशर टेस्ट होने के बाद प्लास्टर हो चुका है। अब हम फ्लोरिंग का काम करना है, पाइपलाइन का काम। अब फ्लोरिंग पाइपलाइन काम करने से पहले हमको वाटर प्रूफ करना पड़ता है। और वाटर प्रूफ कैसे होता है मैं आज आपको बताऊंगा। पहले ये बाथरूम है, इस बाथरूम को पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। नीचे फ्लोरिंग को पूरा अच्छा से, जितना डस्ट बैठा है पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद हल्का सा पानी छिड़कना है। और उसके बाद हम इसका ऊपर लिक्विड मिक्स करके सीमेंट का घोड़ा का साथ पहले हमको इसको अप्लाई करना है। उसके बाद प्लास्टर करना है। और सीमेंट का घोड़ा कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ पानी लेना है और उसमें लिक्विड थोड़ा मिक्स करना है। अभी अभी थोड़ा सा लिक्विड उसको हमको क्वांटिटी के हिसाब से लेना पड़ेगा। और लिक्विड थोड़ा सा उसमें लेके अभी हमको पानी में उसको मिक्स करना है। और मिक्स होने के बाद फिर हम उसको सीमेंट डाल के उसको घोड़ा बनाएंगे। अब उसको हम घोड़ा बना के बकेट में पानी के साथ उसको मिक्स करने के बाद सीमेंट डाल के उसको हमको मिलाना है। अच्छा से मिलाए तो ये घोड़ा बन जाएगा। घोड़ा बनाने के बाद फिर ये हमारा मसाला, जो सीमेंट और लिक्विड के साथ पानी डाल के मसाला ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, ये सीमेंट का मसाला है। और ये घोड़ा मारने के बाद, बाथरूम का अंदर घोड़ा मारने के बाद फिर हमको प्लास्टर करना है। क्योंकि ये बाथरूम का फ्लोरिंग 6 इंच हाइट होता, हमको अभी ये स्टेप से लेके चारों तरफ घोड़ा को पहले अप्लाई करना है। घोड़ा मार के छोड़ने के बाद फिर हम उसको प्लास्टर करेंगे। अब ये बाथरूम का अभी घोड़ा मारना शुरू किए हैं। अभी दीवार का जो साइड है वो 6 इंच हाइट में मारना है, क्योंकि हमारा फ्लोरिंग 6 इंच हाइट होता है, उसको ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो 6 इंच हाइट में मार के पूरा फ्लोरिंग को पहले हम मार देना है। फिर जब हम सीमेंट प्लास्टर करेंगे वो प्लास्टर अच्छा से पकड़ेगा फ्लोर को, फिर लीकेज होने का चांस नहीं है। तो ठीक है, घोड़ा होने के बाद फिर हम प्लास्टर कैसे करेंगे वो भी हम आपको पूरा बताएंगे। कैसे लेआउट होता है, किस तरह का प्लास्टर करके किस तरह स्लोप देना है वो हम पूरा आपको बताएंगे। इसी तरह का घोड़ा को पूरा झाड़ू में सब जगह में अच्छा से जाने के लिए, घोड़ा का जो लिक्विड है वो पहुंचने के लिए ऐसे झाड़ू में हम पूरा चारों तरफ से मार के उसको सब जगह में पहुंचा देंगे। अब ये बाथरूम का प्लास्टर हो चुका है नीचे का। अब इसका ऊपर हम फिर केमिकल मिक्स करके घोड़ा देंगे। ये एंट्रेंस का डोर है, बाकी टोटल स्लोप एक कलर में ट्रैप का एरिया में दिया गया है जहाँ पे नन ट्रैप रहेगा। अब इसके बाद हम और एक बार घोड़ा देके फिर हम ब्रश मारेंगे। अब इसको हम सीमेंट का कोसाग बा घोड़ा बा मोटर ये बना रहे हैं, उसमें थोड़ा लिक्विड अब हमें लिक्विड मिलाया होगा इसमें।
लिक्विड मिला के अभी हम उसको बाथरूम के अंदर अप्लाई करेंगे। अच्छा से इसको मिलाने के बाद बाथरूम में इसको अप्लाई करेंगे। अब ये सीमेंट का सलेरी या मटर या कसा या घोड़ा जो भी है, आपको जो भी समझ में आता है, अभी ये घोड़ा को हम अप्लाई कर रहे हैं वॉल में। ये घोड़ा अच्छा से अप्लाई हो गया तो ये लीकेज इसमें ही बन जाता है, इसमें वाटर प्रूफ मिक्स हुआ है। सीमेंट का सैलरी या कसा या मटर आप जो भी बोल सकते हैं, ऐसे चारों तरफ ये सीमेंट सैलरी या मटर मारने के बाद है, फिर आपको ब्रश में ब्रश मार देना है ताकि अच्छा से सेट होने के लिए, और जिधर जो भी कुछ छोटा मोटा होल रहेगा कुछ भी रहेगा तो सभी ब्रश में पैक हो जाता है। इस तरह का चारों तरफ ब्रश मार देना है। अब साइड में ब्रश मारने के बाद फिर फ्लोरिंग में कोई सीमेंट सैलरी या घोड़ा या कसा डाल के फिर आपको गुरबला में उसको लेबल करना है, और लेबल होने के बाद फिर आपको उसी एरिया को फिर ब्रश मार देना है। ब्रश को थोड़ा हल्का सा पानी में डुबा के और उसको ब्रश मारे तो सभी जगह लेबल हो जाएगा अच्छे से। ऐसे पूरा फॉर्मूला में लेबल करने के बाद फिर ब्रश मारना है। अब ये बाथरूम का पूरा और ये सीमेंट का सैलरी और जो मटर जो भी है आप बोलते हैं कसा मार के अभी ब्रश मार दिए हैं, अभी सभी जगह में लेबल हो चुका है। ये अभी वाटर प्रूफ खत्म हो चुका है और इसको कल सुबह पानी डाल के भर के रखना है। भर के रखे तो पानी अच्छा से अंदर जाएगा, सेट होगा और लीकेज भी सेट हो जाएगा पूरा। यह अभी कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें प्लीज़।